असम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करोड़ीमल कॉलेज के अंदर यहाँ अम्बेडकरवादी लेखक संघ का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंदर सभी अधिकतर हस्तियों ने, लेखक, साहित्यकार और कवियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उसी कड़ी के अंदर हमारे बीच में एक महान विभूति जिन्हें के बस के नाम से जाना जाता है और लेखक हैं, कवि हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आज का जो प्रोग्राम रखा गया, जो एक अंबेडकर सम्मान का एक कार्यक्रम था और आप लखनऊ से चलकर आए हैं। के बस जी, आपका एसएम न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो दरअसल एक एक्टिविस्ट हूँ और मेरा ये मानना है कि इस देश की अगर बेसिक प्रॉब्लम्स को सही करना है जी, तो उन प्रॉब्लम्स का कोई समाधान हमारे किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है जी, और ना ही किसी धार्मिक विचारधारा में है। इस देश की समस्याओं का कोई समाधान अगर सचमुच ढूंढना चाहता है तो वो डॉक्टर अंबेडकर के अंदर है। दरअसल सही मायने में डॉक्टर अंबेडकर के दुश्मन है, क्योंकि वह लोग हैं जिन्होंने पिछले 50 साल से डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य को दबा कर रखा, उनके लेखन को दबा कर रखा, उनको समय समय पर जलील किया, शर्मिंदा किया। आज क्योंकि उनके पास अपना कोई नायक नहीं है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को अपना नायक बना रहे हैं। और झूठ है, जिन पत्रिकाओं ने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ विशेषांक निकाले थे, आज वही पत्रिकाएं पिछले 3 साल में 2-2 बार डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा में उनके योग्यताओं पर विशेषांक निकाल रही हैं। इसलिए दलित समाज को उस ब्राह्मणवादी मानसिकता की के षड्यंत्र को समझने की जरूरत है, क्योंकि वो उसी षड्यंत्र के माध्यम से 2019 को कैश कराएंगे। जरा सोचिए कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और वो लोग हम सबको एक दिग्भ्रमित करके 2019 की तैयारी कर रहे हैं ताकि फिर से स्थापित हो जाएं। और उनका एक ही बात है कहना कि तुम डॉक्टर भगवान को, उसको डॉक्टर अंबेडकर को भगवान समझो मगर पढ़ो मत। ये डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी के साथ मूलतः एक षड्यंत्र है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कहते थे पढ़ो, समझो, आगे बढ़ो। आज का जो शासन है, प्रशासन है, जो सरकार चला रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो मत, समझो मत, तुम उनकी पूजा पाठ करो, उनके मंदिर बनाओ, उनको भी बुद्ध की तरह से पूजने लगो। क्योंकि बुद्ध के बाद अंबेडकर ऐसा आदमी आया था जिसने इंसान को इंसान बनने की कला सिखाई, और एक षड्यंत्र के तहत हमने बुद्ध को भी पूजना शुरू कर दिया। और आज का जो लोग, आज की जो ताकत है, वो भी कह रही है कि तुम अंबेडकर को पढ़ो मत, उससे सीखो मत, उसको पूजना शुरू कर दो। ये दलितों के खिलाफ 21वीं सदी में इससे बड़ा दलितों के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। ये ब्राह्मणवादी लोग का शासक है, हमारा राजा जो है वो कह रहा है कि तुम लोग मेरी तरीके से अंबेडकर को समझो। जैसा मैं समझ रहा हूँ, मैंने दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जहाँ जहाँ जगह थी सब खरीद दी तुम लोगों को खुश करने के लिए, जो पिछले 50-60 साल में नहीं हो पाया, जब मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे डॉक्टर नायक को की ज़मीनें खरीदी दिल्ली के अलीपुर में, बम्बई में, लंदन में, तो तुम कम से कम अब मेरे अनुसार डॉक्टर अंबेडकर को समझो, अपने तरीके से मत समझो, ब्राह्मणवादी मानसिकता के तहत डॉक्टर अंबेडकर को लेकर आओ। इसीलिए 5 जन जैसी पत्रिकाएं डॉक्टर अंबेडकर पे विशेषांक निकाल कर ये बताती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को आरएसएस से कोई एलर्जी नहीं थी, बल्कि वो आरएसएस के प्रशंसक थे। इसीलिए सहारनपुर वाले मैटर पे उन लोगों ने फिर रोका। ये बात, धन्यवाद।